का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है। सबसे ये आह्वान है। अर्हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा बीड़ा ये ही उठाया है। बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है। सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन असमर्थ बच्चों को शिक्षा। रोजगार की करें व्यवस्था मांगे ना कोई भिक्षा। मांगे ना कोई भिक्षा। अर्हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है। सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई। सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है। सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते। राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है। सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ ये बड़ा ही पावन मौका है। बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है। सबसे ये आह्वान है। प्राकृत की गाथाओं को पढ़ते हुए उन गाथाओं के भावार्थ के माध्यम से हम संसार की दशा को भी समझते हैं और इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी क्या उपक्रम हो सकते हैं वो भी हमारी समझ में धीरे धीरे आते हैं। उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए यहाँ गाथा नंबर 57, 58 और 59 पढ़ते हैं। वसियम गिरीसु वसियम दरीसु वसियम समुद्दमज्जमी
रुखगेसुयवसियम संसारे संसरन्तेणम् देवो नेरयोत्तिय कीडपयंगोत्ति मानुषो एषो रूवस्य विरूपो सुभागी दुख भागीय राओत्तिय दमगोत्तिय एस सपागोत्ति एस वेयवियु सामी दासो पुज्जो खलोत्ति अदनो धनवैति। इन गाथाओं में संसार में संसरण करने वाले जीवों के बारे में कहा गया है। संसारे संसरण तेणम वसियम वसियम, ये जो तीन बार लिखा है, चार बार लिखा है कि यह जीव कहाँ कहाँ पर वसा है। वसा माने वास किया है। संसार में भ्रमण करता हुआ यह आत्मा पर्वतों पर भी वास किया है, दरीशु माने होता है गुफाओं में भी वास किया है, समुद्रों के मध्य में भी यह वास करता रहा है, और रुख माने वृक्ष के अग्रभागों पर भी यह वास करता है। पिछले जन्मों में जब यह अनेक तरह के जीवन को जीता है, संसार में भ्रमण करते हुए अनेक प्रकार की इसे पर्यायें मिलती हैं, तो उन पर्यायों में इस तरह का भी भ्रमण होना निश्चित होता है। और ये भ्रमण यहाँ पर याद कराया जाता है इसलिए कि हम थोड़ा सा अतीत को याद करेंगे तो हम जो कुछ भी हमारा व्यतीत हो रहा है उस पर हम ध्यान दे पाएंगे। कभी कभी अतीत को याद करने से भी हमारा जो जीवन व्यतीत हो रहा है उसकी दिशा बदल जाती है और उसमें एक रोक भी लग जाती है कि हम नया क्या कर रहे हैं। जीव के लिए जब इस तरह का अतीत दिखाया जाता है तो इस अतीत को देखने से उसे ये समझ आता है कि हमारा संसार कुछ और है, और इस संसार में भ्रमण करते हुए हमने हर एक स्थान पर निवास किया है, प्रवास किया है और वास भी किया है। कभी कभी निवास कहीं होता है, प्रवास कहीं होता है और वास कहीं होता है। आदमी के लिए ये सब चलता रहता है। निवास स्थान कहीं होते हैं, प्रवासी बनकर के निकलता है तो कहीं और जाकर के थोड़ा सा प्रवास कर लेता है, और उस प्रवास को करते करते भी उसका प्रवास किसी शहर में किसी स्थान में होता है, लेकिन वास तो उसका वहीं होता है जहां उसके लिए रुकने का सोने का बैठने का स्थान मिलता है। तो हर आदमी के जीवन में आपने देखा होगा कि तीन चीजें रहती हैं। अपना एक निवास स्थान बना लेता है इसलिए कि वो हमारा परमानेंट एड्रेस है, और उस परमानेंट एड्रेस को बनाने के बाद में फिर वह निकलता है प्रवास पर, चलो घूम के आते हैं, और वह घूमने निकलता है तो ये उसका प्रवास का दौर कहलाता है। कभी कहीं गया, कभी कहीं गया, और उस प्रवास में भी वो जहाँ जिस स्थान पर किसी एक क्षण बैठा होगा वो उसका वास कहलाएगा। अगर आप कहीं दूर से आए हैं
चाहे मेरठ से आए हों चाहे दिल्ली से आए हों, अगर आप कहीं दूर से आए हैं तो अभी आप प्रवासी हैं। यहाँ पर आकर के आपका प्रवास हो रहा है और उस प्रवास में अगर आप यहाँ थोड़ी देर बैठे हैं तो ये आपका वास स्थान कहलाएगा, यहाँ अभी आप बैठे हैं। जिस होटल में रुके हैं, जिस धर्मशाला में रुके हैं, जब वहाँ जाकर के सोओगे, बैठोगे, खाओगे, पियोगे तो वो आपका वास स्थान कहलाएगा, वो भी प्रवास के दौरान का वास कहलाएगा। लेकिन निवास जहाँ है वहाँ तक पहुँचने के लिए रिटर्न में टिकट बना करके आदमी चलता है और उसे उसी निवास पर पहुँचना होता है जहाँ से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। तो ये प्रवास पर जब हम निकलते हैं तो इसी तरह से ये प्रवास जब पिछले जन्मों का हम देखते हैं तो अनेक पशु पक्षियों इनकी पर्यायों में भी इस जीव ने अनेक तरह से स्थानों पर प्रवास किए होते हैं। आप देखते हो पशु पक्षी, कई बार ऐसा होता है कि पक्षी जन्म तो किसी घोंसले में लेता है, कहीं लेता है, लेकिन वह जब उड़ना शुरू कर देता है तो उड़ते उड़ते वह किसी शहर से किसी शहर तक पहुंच जाता है, किसी देश से किसी दूसरे देश तक भी पहुंच जाता है और वह अपने प्रवास में इतना आगे निकल जाता है कि फिर उसे अपने नीड की याद नहीं आती है, उसे अपने निवास पे आना नहीं होता है और वो चाहे भी तो अब आना संभव नहीं होता है। यानी पक्षियों में भी इस तरह की भावना रहती है कि हम अगर जहां पर निवास कर रहे हैं तो हम वहीं पर वास करने लग जाएं। प्रवास में उन्हें जो स्थान मिल गया वास करने का वो वहीं पर वास करने लग जाते हैं। पक्षियों का कोई एक निश्चित निवास नहीं होता। जब कभी उन्हें लगता है कि हमारे सामने अब कोई मौसम बदल रहा है, उन्हें कुछ संकेत मिल जाते हैं और उन्हें लगता है कि कोई बरसात का समय आ रहा है या अत्यधिक शीत का समय आ रहा है तो वह कुछ अपना निवास बना लेते हैं तत्काल में। तत्काल में वो अपना थोड़ा सा निवास बनाएंगे और फिर निवास बना करके उसमें कुछ समय प्रवास करेंगे और फिर उसको भी छोड़ करके निकल जाएंगे। इन पक्षियों से भी अगर थोड़ा सा सीखा जाए तो आदमी के लिए भी संसार में भ्रमण करते हुए अपने निवासों से जो राग रहता है उस राग में कमी आ सकती है। हर किसी के लिए अपने निवास स्थान से बहुत राग होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर वह जन्म लिया है, वहीं पर वह वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, वहीं पर उसके लिए सुरक्षा है और उस सुरक्षा के स्थान में पहुंचकर के ही उसे लगता है कि हाँ हम तो अपने घर आ गए। जब ऐसा लगता है कि हम अपने घर आ गए तो आदमी को थोड़ा सा लगता है कि हाँ अब हम बड़ी सुकून की जगह पर आ गए। बाहर निकल करके आपको कितना भी सुकून मिले तो भी वो थोड़ा लगता है, कम लगता है, लेकिन जब आप अपने घर पर पहुंच जाते हैं तो वह सुकून आपको कुछ ज्यादा हो जाता है भले ही सुविधाएं कम हो। आप ये भी देख सकते हो कि घर में अगर सुविधाएं कम भी होंगी, बाहर सुविधाएं आपको ज्यादा भी मिल जाएंगी तो भी सुकून आपको बाहर कम मिलेगा। सुकून कहाँ मिलता है? जब घर पहुंच जाते हैं। क्योंकि एक विचार चलता रहता है, अभी हम चल रहे हैं, अभी हम प्रवास पर हैं और जब हम प्रवास पर होते हैं तो उस समय पर हमारे मन के लिए एक सुरक्षा का भाव नहीं बनता है। आज यहां रुके हैं, यहां पर सब सामान उतारा, यहां भोजन किया, अनिश्चितता रहती है, न जाने कौन किस तरह के लोग होंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, कौन सी आपत्ति आ जाए, कोई सी चीज कौन चुरा करके ले जाए, कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन फिर भी हम एक विश्वास के तहत चलते जाते हैं और अपना जीवन चलता चला जाता है, काम चलता रहता है। जब एक जगह आकर के हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, एक दिन रुक गए, दो दिन रुक गए, तो फिर थोड़ा सा लगने लग जाता है हाँ जगह सही है, अच्छी है, निश्चिंतता है, तब कहने में आने लग जाता है आए तो थे हम यहाँ पर, लेकिन यहाँ आकर के भी हमें बहुत अच्छा लगा, तो समाज को भी धन्यवाद देने का भाव आ जाता है।
ये भाव आने का मतलब है कि हम अगर किसी स्थान पर रुक गए हैं तो हमारा उस स्थान पर मन पहले दिन नहीं लगेगा। अगर आप थोड़ा सा रुकने का मन लेकर के आओगे और रुकने की भावना से आप किसी स्थान पर रुकोगे तो मन लगेगा। अगर आप कभी यात्रा पर निकलते हैं और आपको पता है कि हमें इस यात्रा पर इस स्टॉपेज पर रुकना नहीं है तो उस स्टॉपेज पर कितनी भी अच्छी व्यवस्थाएं हो आपका मन नहीं लगेगा। मन तो हमारे साथ स्वयं अपनी व्यवस्था लेकर के चलता है और हम मन को पहले से ही प्रशिक्षित कर देते हैं। हमें जहां पहुंचना है वहां पहुंचने के बाद ही हमें थोड़ा सा लगता है कि हाँ अब हम सुरक्षित स्थान पर आ गए, अब हमें सुकून मिल गया। भले ही उस स्थान पर सुरक्षा कम हो या जहां पर आप छोड़ करके आए हो उस स्थान पर सुरक्षा ज्यादा हो, लेकिन आपका मन पहले से तैयार था कि हमें वहां रुकना नहीं है, रुकना तो यहां है। बहुत से यात्री आते हैं, डोंगरगढ़ से आते हैं, कुछ सतना के लिए आते हैं और कुछ ऐसा भी विचार करके आते हैं कि सतना के पास में खजुराहो है, वहां पर भी जिन मंदिर है, जिन मंदिर होने के साथ साथ वहां भी माता जी का चतुर्मास भी है, लेकिन खजुराहो एक ऐतिहासिक स्थान है तो वहां सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी, अच्छी बड़ी बड़ी अच्छी धर्मशालाएं होंगी। ऐसा विचार करके जब व्यक्ति यहां सतना आएगा तो उसे सतना में मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसे कहां जाना है, उसे खजुराहो जाना है। अब वहां खजुराहो जाकर के वहां सिंपल सी भी होटल में ठहर जाएगा तो उसे अच्छा लगेगा, और यहां पर आपको 3 स्टार होटल भी कोई दिखाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? आपका मन पहले से बना हुआ है। हम केवल यहां दर्शन करने आए हैं, दर्शन करके शाम को निकल जाएंगे, रात हमारी सुकून से गुजरनी चाहिए, वो खजुराहो में हम निकालेंगे। ये सिर्फ एक मन का प्रशिक्षण है जो हमने पहले से ट्रेंड कर दिया माइंड को, वह उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। जो व्यक्ति सोच करके आया है कि नहीं मुझे महाराज के पास रुकना है, मुझे यहां दर्शन का लाभ लेना है, सुबह फिर प्रवचन का लाभ लेना है, तो उसे खजुराहो का कोई व्यामोह नहीं होगा। क्या है, कभी भी देख लेंगे, जिनालय होगा यहां से निकल के दर्शन करते हुए चले जाएंगे, फिर कभी अलग से आ जाएंगे। लेकिन महाराज का अगर चतुर्मास सतना में चल रहा है तो सतना में तो हमारा आना फिर बार बार होगा नहीं, कौन हमें पूछेगा अगर महाराज नहीं होंगे यहां पर हम आ भी गए तो, कोई नहीं पूछेगा, दो पैसे में भी नहीं पूछेगा कोई, क्यों पूछेगा भला, भाई आप आए हो, आप अपनी व्यवस्था से आए होगे। अब आप कहोगे कहां रुकना है, अरे भाई दुनिया में सबको पता होते, दुनिया में ढेर होटलें हैं, कहीं भी सड़क पर निकल जाओ सब जगह लिखे हुए, आप अपनी होटलें ढूंढ लो। लेकिन जब आदमी को ये लगता है कि नहीं अभी हम सतना आए हैं तो अभी हमें सतना में इसलिए रुकना है क्योंकि सतना में हमें होटल में नहीं रुकना है, सतना में हमें महाराज के पास रुकना है। हम भले ही होटल में थोड़ी देर के लिए वास कर लेंगे लेकिन हमारा प्रवास तो महाराज के चरणों में होगा, इसलिए यहां की हमें कोई भी दिक्कतें भी होंगी तो हम उनको इग्नोर कर देंगे, हमें उसके लिए कोई जरूरत नहीं होगी। सुख सुविधाएं तो हमारे घर में भी बहुत हैं लेकिन मुनि महाराज का सानिध्य और प्रवचन का लाभ हमें अपने घर बैठे नहीं मिल पाता, इसलिए आदमी को यहां आने के बाद में अच्छा लगने लग जाता है। ये अच्छा लगने का लिए हमने अपने माइंड को पहले से ट्रेंड कर दिया, बस और कुछ नहीं है। आप अपने माइंड को जैसा ही ट्रेंड कर दोगे वो उसी लाइन पर चलने लग जाता है। आप सिखा दो बस उसको, हम जहां जा रहे हैं वहां अच्छा है तो अच्छा है। अगर आपके मन में संशय है कि हम जहां जा रहे हैं वहां हमें दिक्कतें होंगी तो आपको दिक्कतें ही होंगी, और अगर आप ये सोच के निकलो कि हम जहां जा रहे हैं वहां पर अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपके मन के माध्यम से ही आपको अच्छा या बुरा लगना है, और मन को तो हर चीज
पहले जो उसकी धारणा में जैसी चीजें बसी हुई हैं उसी के अनुसार चाहिए, और जैसा आपने मन को ट्रेंड कर दिया मन को वैसा चाहिए। तो मन तो अपने आप में कहीं ना कहीं उड़ता ही रहता है, और उड़ उड़ करके भी वह कहीं पर भी ठहर नहीं पाता। जैसे पक्षी है, उसे खुद पता नहीं होता कि हमारा निवास कहाँ था, प्रवास कहाँ है, वास आज का कहाँ है और कल का कहाँ होगा, उसे कुछ पता नहीं होता। यह पक्षी की तरह ही मन की उड़ान चलती है, लेकिन अगर व्यक्ति के लिए थोड़ा सा इतना समझ में आए कि अगर सुकून मिलता है तो कहाँ मिलता है, बोलो कहाँ मिलता है? प्रवास में मिलता है? नहीं मिलता। सुकून, सुख अलग चीज है और सुकून अलग चीज होती है। सुकून कहां मिलेगा? सुकून प्रवास में नहीं मिलता, सुकून तो निवास में मिलता है। जहां हमने अपना स्थान बना लिया है, जहां हमारे अपने लोग पहचान के होते हैं, जहां हमारे अपने परिजन बैठे होते हैं और जिनके बीच में हम अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं, हमें अपनी पहचान बतानी नहीं पड़ती और ना हमें उनसे कुछ पहचान लेनी पड़ती है। ऐसे स्थानों पर हमारा जब निवास स्थान होता है, उन स्थानों पर हम बड़ा सुकून महसूस करते हैं। मतलब अपने घर में सबको कहां अच्छा लगता है, बोलो? अपने घर में। जब आपको अपने घर में अच्छा लगता है तो अपने घर में भी बैठ करके ये संसार की भावना की जा सकती है। सुकून से बैठ करके ये भावना करना है, मेरी आत्मा आज तो यहां घर में बैठी है, लेकिन अतीत काल में कभी पक्षी बनकर के वृक्षों के ऊपर भी बैठी है, कभी पशु बनकर के गुफाओं में भी वास किया है, कभी मछली आदि जलीय जंतु बनकर के समुद्र के मध्य में भी वास किया है, और कभी पर्वतों के ऊपर भी अनेक तरह के जंगल आदि होते हैं, उनमें भी अनेक जंगली पशु बनकर के भी वास किया है, और ये वास चलता रहता है। आज हम यहां बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, तो घर में बैठकर के सुकून से हमें क्या करना? सो जाना। सोने में क्या नई बात हो जाएगी? सोना तो हम प्रवास में भी कर लेते हैं, सोने के लिए तो हमारे लिए कोई भी धर्मशाला होटल भी पर्याप्त होते हैं। घर में अगर हम सो भी गए तो हमने नया क्या कर लिया? घर में हमें क्या नया करना चाहिए? सुकून से बैठकर अतीत की बात सोचना। क्योंकि जब आप देखते हो थोड़ा सा, जब आपकी वृद्धावस्था आएगी तो आपको लगेगा कि वृद्धावस्था में आपको अतीत की ज्यादा याद आएगी, जवानी में नहीं आएगी आपको बचपन की याद। कब आएगी? बुढ़ापे में आएगी कि जवानी में हमने क्या किया। बुढ़ापे में आपको अतीत की याद आएगी। जब आप कहीं घर में सुकून से बैठे होंगे तो उस निवास में भी आपको प्रवास की याद आएगी, हमने कहां कहां प्रवास किए, कौन कौन से प्रवास हमारे लिए सुखद रहे, कौन कौन से प्रवासों में हमें कौन कौन से सानिध्य मिले, उन सानिध्यों में हमें किस तरह का उपदेश आदि मिला, ये सब भी आपको याद आता है। कब? जब आप सुकून से घर में बैठकर के अपने अतीत के बारे में कभी सोचने का समय निकालेंगे तब। और वो सोचने का समय निकलता है जब आदमी वृद्धावस्था में पहुंचता है, तो उसके लिए और कुछ करने को नहीं रहता है, उसे अपनी ही यादों में खोने का वो समय होता है। अब अगर वहां बैठकर के भी आप याद कर रहे हो किसको? अपने अतीत को, तो थोड़ा सा अतीत को और दूर तक याद किया जा सकता है।
ज्यादातर सामान्य आदमी वृद्धावस्था में क्या याद करेगा? हमने अपने घर में कितने लोगों के साथ में किस तरह से सुख के समय व्यतीत किए, हम किस तरह से प्रवासों पर गए, कौन कौन सी यात्राएं की, कहां कहां कैसे कैसे एंजॉय किए, कौन कौन सी होटलों में रुके, कौन कौन सी तरह से हमने मौज मस्तियां की, कभी नदी के किनारे, कभी पर्वतों के किनारे, कभी किसी भी तरह की कहीं पर्वतों पर चढ़ाई करके, या कभी नदियों में भी डुबकी लगा करके, या किसी भी तरह के स्विमिंग पूलों में डुबकी लगा करके, ये सब आपको याद आएगा। कब? जब आप थोड़े से भीतर से अपने आप को वृद्ध महसूस करेंगे, आपको सुकून मिल रहा होगा, समय व्यतीत नहीं हो रहा होगा, तब आपको अतीत में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। और उस अतीत में अगर आप इतना ही अतीत अपने सामने रखे कि हमने अपने जीवन में क्या किया, तो आपको अपने बचपन से लेकर के बड़े तक कितने उतार चढ़ाव आए, कितनी जगह आपको नफा नुकसान हुए, कितनी जगह आपने कोई साहसिक कदम उठाए, ये सब याद करके आपके जीवन में एक अतीत की पिक्चर सामने आएगी। इस अतीत को याद करते हुए आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा और लंबा अतीत की तरफ अपनी दृष्टि ले जाओ। अधिकतर क्या होता है, हम उतना ही अतीत अपने सामने रखते हैं जितना हमने अर्जित किया है। हमने घर बनाया था, हमारे सामने परिवार बना है, हमारे सामने हमारे व्यापार तैयार हुए हैं, हमें सिर्फ इतना ही अतीत याद है। लेकिन ये तो इस जन्म का अतीत है केवल, जो पिछले जन्मों का अतीत है उसको भी अगर हम याद करेंगे तो शायद बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। सुकून किस मायने में? पिछले जन्मों का अतीत याद करोगे तो तुमको इस बात का सुकून मिलेगा कि देखो आज हम सुकून से बैठ करके कितना दूर तक का चिंतन कर पा रहे हैं। ये आत्मा का ही चिंतन है, ये आत्मा का ही जो है ज्ञान है। आप ये ना समझे कि तत्व चिंतन या आत्मा का चिंतन करने के लिए हमें केवल समयसार पढ़ना पड़ता है। आत्मा का चिंतन करने के लिए आपको आत्मा की दशाओं का ज्ञान करना, वो समयसार तो किताबों में बंद होगा, लेकिन ये जो समयसार आपके सामने आ रहा है, अतीत का संसार, ये खुला समयसार है, ये खुली किताब है, ये एक ऐसी किताब है जिसके लिए आपको किसी किताब को खोलने की जरूरत नहीं है। बस आपको सुकून से बैठ जाने की जरूरत है और आप विचार करो आत्मा आज कितनी उम्र व्यतीत कर चुका, इस जन्म की इतनी उम्र व्यतीत होने पर आज हमें केवल इतना सा अतीत याद आ रहा है कि आज मेरे दो बच्चे हैं, उनके दो बच्चे हो गए, एक मेरा मकान है, एक दुकान है, इतने से अतीत से हम संतुष्ट हो रहे हैं। इतना ही अतीत नहीं है, इससे भी बढ़कर है। और उस अतीत की ओर जैसे ही दृष्टि चले जाएगी तो बस वही अतीत की ओर दृष्टि जाना आपको चिंता से चिंतन की ओर ले जाएगा। क्या सुना? आप अतीत को ही सोच रहे हैं सुकून से बैठ करके अपने निवास पर अपने घर में, लेकिन जब आप केवल अपने घर के बारे में सोच रहे हैं तो चिंता है। जब आप किसी दूसरे के भी घर के बारे में सोच रहे हैं तो भी चिंता है। अपने देश के बारे में सोच रहे हैं तो भी चिंता है। दूसरे देश के बारे में सोच रहे हैं तो भी, जितने भी न्यूज़पेपर में जितनी भी हेडलाइंस आती हैं उनके बारे में सोच रहे हैं तो भी चिंता है। अब इस चिंता को चिंतन में कैसे बदला जाए? थोड़ी सी अतीत की उन रेखाओं को और लंबा कर दो, अतीत में वह सोचना शुरू कर दो जो वर्तमान में हो रहा है, उससे हट करके
और अतीत के बारे में सोचना शुरू कर दो, वह चिंता आपका एक चिंतन बन जाएगी। आप सोचने लग जाओगे अतीत काल में हम पशु बनकर के भी कितनी जगहों पर उत्पन्न हुए होंगे, हम पक्षी बनकर के भी कितनी जगहों पर उत्पन्न हुए होंगे, हम जलीय जंतु बनकर के भी कितनी जगहों पर रहे होंगे। और जैसे ही आपकी दृष्टि इस तरह की विचारधारा पर गई तो आप तत्व चिंतन से जुड़ गए, आप आत्मचिंतन से जुड़ गए। इसी को कहते हैं आत्म मंथन, आत्मचिंतन। इतना सरल है आत्मचिंतन करना। लोग सोचते हैं हम कैसे आत्मचिंतन करें, तो आत्मचिंतन में वो यही चिंतन करते रह जाते हैं, हमने छोटे से बड़ा संघर्ष किया है, हमने बहुत बड़े दुख के दिन देखे हैं, आज हम इतनी अच्छी पोजीशन पे आ गए हैं, लोगों को कैसे बताएं, क्या पता इन लोगों को कि हमने कितना संघर्ष किया है तब आज इतनी अच्छी पोजीशन पर आए हैं। इतने में उनका वह चिंतन आत्मचिंतन लगने लग जाता है, उन्हें लगता है यही हमारा आत्मचिंतन है। ये आत्मचिंतन नहीं है, ये आपकी सब चिंताएं हैं। दिमाग में जितना ज्यादा हम स्पेस देंगे दिमाग उतना ही स्वस्थ होगा, दिमाग में जितनी कम स्पेस होगी, जितना कम सोचने के दायरे होंगे उतना ही दिमाग में अस्वस्थता आएगी। क्योंकि आप जानते हो स्वस्थता का संबंध खुली हवा से होता है, स्पेस से होता है। जितना अच्छे खुले में आप बैठोगे, खुले में आप सोचोगे, खुले में बैठ करके आप जो महसूस करोगे वो आपको घर के अंदर चार दीवारी के अंदर बैठ करके वो स्वस्थता नजर नहीं आएगी। तो दिमाग को तो हम बढ़ा नहीं सकते, दिमाग तो इतना ही रहेगा, बाउंड्री बनी हुई है, ब्रेन है तो वो उतना ही रहेगा जितना उसका सेप और जितना साइज है, अब बढ़ा क्या सकते हैं हम। उस ब्रेन के अंदर आने वाले जो थॉट्स हैं उनका जो एक दायरा है, लिमिट है, उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये एक्सपेंड करने का तरीका यही होता है कि अगर हम अपने अतीत के बारे में थोड़ा सा विचार करें, ये हमारा अतीत था, ये हमारा अतीत था, तो क्या होगा, आप सुकून से घर में बैठ करके आत्मचिंतन की दशा में आ जाओगे। कोई भी आपका बच्चा, आपके घर का स्वजन आपको देखेगा तो यूं नहीं कहेगा दादाजी हमारे चिंता में पड़े हैं, क्या सोचेगा, अगर दादाजी चिंता में पड़े हैं तो उसको चिंता हो जाएगी। और अगर वह देखेगा कि दादाजी चिंता नहीं करते, दादाजी क्या करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो उसे कैसे पता कि दादाजी आत्मचिंतन करते हैं। तो जब वो दादाजी के पास में बैठेगा तो दादाजी उससे वही बताएंगे जो वो करते हैं, ये मान के चलना। आप अपने बेटे से, अपने नाती से वही कहेंगे जो आप अपने लिए सोच रहे होते हैं। अगर आप आत्मचिंतन के कुछ भाव अपने अंदर बनाएंगे, आप आत्मचिंतन की स्थिति में होंगे, तो वो नाती भी आपके पास में बैठ जाएगा और कुछ पूछेगा, बताओ दादाजी क्या सोच रहे थे, और आपने कभी उससे कह दिया बेटा हम सोच रहे थे जैसे तुम आज छोटे बनकर के हमारी गोदी में बैठे हो ऐसे ही कभी हम अपने पापा की गोदी में बैठे थे, और वो पापा भी कभी अपने पापा की गोदी में बैठे होंगे। बेटा ये जन्म, ये माता पिता और पुत्र का इस तरह का ये क्रम न जाने कब से चल रहा है। और जैसे ही आपने इतनी सी बात उससे कही तो बेटा समझ लेगा, नाती समझ लेगा, पापा किसी चिंता में नहीं है, दादाजी किसी चिंता में नहीं है, ये तो बहुत दूर की सोच रहे हैं। तो दूर की सोच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, चिंता नहीं कर रहे हैं। यही उस व्यक्ति, उस बच्चे के लिए, घर के लोगों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए बड़े सुकून की बात होगी कि आप सुकून की जगह पर बैठकर के भी सुकून में हैं। नहीं समझ में आया, सुकून की जगह पर बैठ जाना और फिर सुकून महसूस करना, इन दोनों में अंतर है।
आप अपने निवास पर बैठ करके सुकून की जगह पर तो बैठ गए, लेकिन अब आपको सुकून और महसूस करना है तो कैसे करोगे? अगर आपको अपने घर के अंदर क्या हो रहा है, क्या मच रहा है, क्या चल रहा है, वो अगर चिंता में पड़े हुए तो सुकून नहीं आएगा। अगर वह सुकून के लिए बैठे भी थे और वो दिमाग में आ गया कि आज फिर बच्चे लड़ गए, आज फिर बहुएं लड़ गईं, आज फिर नातियों में खटपट हो गई और यही फिर चिंता आपके अंदर पड़ गई, तो फिर सुकून के स्थान पर भी सुकून नहीं मिलेगा। वह सुकून भीतर से तभी आएगा जब आप अपने चिंता का दायरा बढ़ाएंगे, आप अपने चिंतन की दशा में आएंगे। तो आत्म चिंतन करना, ये गाथाएं हमें क्या बता रही हैं? आत्मचिंतन करना सीखो। आत्मचिंतन करने के लिए हमें कोई किताबों की जरूरत नहीं, कोई हमें बड़े बड़े समयसार और प्रवचनसार खोलने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ यही चिंतन करें कि संसार में भ्रमण करता हुआ जीव कैसे कैसे कहां कहां जन्म ले लेता है, कहां कहां इस जीव का मरण होता रहता है, और ऐसे जन्म ऐसे मरण हम भी न जाने कितनी बार कर चुके हैं, न जाने कितनी बार हमारे ऐसे जन्म मरण हो चुके हैं। बस इतना सा आप विचार करो, आप देखो आपका मन कितना भीतर से आपको अच्छा सा लगाएगा और आपका मन खुद कहेगा कि वास्तव में ऐसे चिंतन में जो सुकून मिलता है, जो शांति महसूस होती है, वो घर के लोगों की चिंता में कभी भी महसूस नहीं होती है। लेकिन ये भी आपको महसूस करके ही कहना पड़ेगा, अभी तो मैं कह रहा हूं, नहीं समझ आया। मुश्किल तो यह है कि हमारे पास घर नहीं है, चिंता नहीं है, और हम चिंतन की दशा में बैठे हैं और उनके लिए बता रहे हैं जो घर में बैठे हैं, चिंता में बैठे हैं, और उनके अंदर बैठ करके उनकी चिंता को दूर करने के लिए ये चिंतन वो दे रहे हैं जिनके पास में कोई चिंता नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? अब ये विडंबना है, क्योंकि ये चिंतन आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप उस दशा में तभी पहुंचोगे जब आप इस तरह से करोगे, महसूस करो कभी अपने अंदर कि हम आत्म चिंतन में होते हैं तब हमें ज्यादा अच्छा लगता है, कि जब हम आत्म चिंता में होते हैं तब ज्यादा अच्छा लगता है। ये चिंतन आपके दिमाग को और बड़ा बनाता है, सोच को बड़ा बनाता है, और जब आपकी सोच बड़ी बनती है तो फिर घर में जो छोटी मोटी बातें होती हैं, आप कहोगे ये सब तो, एक सूत्र दिया था ना पहले भूल गए, ये सब तो अनंतों बार हो चुका है। इस तरह का जो विचार आएगा, इसी का नाम है आत्मचिंतन। ये आत्मचिंतन के क्षण होते हैं, यही महत्वपूर्ण होते हैं।